हे हेलो नमस्कार, मेरा नाम एकलव्य मौर्य और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ फ्री कोर्सेज के बारे में कि आप फ्री कोर्सेज कहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी जो पिछली जो वीडियोज थी स्किल के ऊपर तो उसमें कमेंट किया है कि कोर्सेज तो आपने बता दिए लेकिन कहाँ से सभी कोर्सेज सीख सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आप फ्री में अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोर्सेज कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, आपको फ्री में मैं कुछ वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको फ्री में कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, जिसमें सबसे पहली वेबसाइट है यूडेमी। ठीक है, यूडेमी देखिए, इस पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। यूडेमी आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद गूगल पर आप आ जाएंगे यहाँ पर, फिर आपसे आपको लॉगिन करना है। आप मतलब यदि पहली बार आए हैं तो आपको साइनअप करना होगा। मैं लॉगिन करके यहाँ पर इंटर होता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिले, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, जिस भी फील्ड से आप हैं उस फील्ड के रिलेटेड आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। तो चलिए मैं बिजनेस को लेकर क्लिक करता हूँ यहाँ पर। तो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। अब इसमें आपको खोजना ऐसे है, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें सभी कोर्सेज जो दिए गए हैं ये सभी फ्री कोर्सेज नहीं है, कुछ पैसे जो कि आपको देने पड़ेंगे, जैसे 455 रुपये का कोर्स है। तो आपको फ्री कोर्स लेने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिल्टर में यहाँ पर जो है कि आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन शो मोर, क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन है। प्राइस में यहाँ पर जब आप फ्री क्लिक करेंगे तो जितने भी अब आपको कोर्सेज मिलेंगे ये सभी कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी कोर्स, जैसे मान लीजिए कि मुझे एमएस एक्सेल के ऊपर कोर्स खोलना है। ठीक है, एमएस एक्सेल फ्री। ठीक, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और देखिए यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस पर आइए और फिर यहाँ पर फ्री सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं फ्री में करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी वेबसाइट की बात करें तो इस वेबसाइट का नाम है लर्न वन। दोस्तों, मैं जब एमएस एक्सेल के लिए कोर्स ढूंढ रहा था इंटरनेट पर कि कहाँ से मुझे हिंदी में अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं एमएस एक्सेल के ऊपर, तो मुझे ये वेबसाइट मिली। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट मुझे लगी सीखने के लिए कोई भी कोर्स। ठीक है, इस पर बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर गूगल पर सर्च करना है और बस लॉगिन कर देना है, मतलब साइनअप कीजिए। साइनअप में आपको कुछ चीज़ें मांगेगा, डिटेल तो वहाँ पर फिल कर दीजिए। मैं पहले से इस पर अपना अकाउंट बनाया हूँ तो मैं लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद आप सीधा यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे आपको कोर्स के सभी कोर्सेज को मुझे देखना है तो व्यू ऑल करूँगा और देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे।
सर्टिफिकेट नहीं लेना है तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है गीक्स फॉर गीक्स। ये दोस्तों जो भी लोग मतलब कंप्यूटर में अपना दिलचस्पी रखते हैं या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, ठीक, कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है। आपको गीक्स फॉर गीक्स गूगल पर सर्च करना होगा, उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप इस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको कोर्सेज में यहाँ पर क्लिक करना होगा और कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन और ये लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। जैसे कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज, देखिए ये पेड कोर्सेज हैं, इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री कोर्सेज जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कितने सारे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं। ये बिगनर्स के लिए जावा, ये देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं। कोर जावा एंड कलेक्शन, गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, सी प्लस प्लस प्रोडक्टिविटी हैक्स, मतलब इस पर भी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से भी कोई कोर्स कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी कोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वेबसाइट ई स्किल इंडिया। दोस्तों ये एक वेबसाइट भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी जब ये लॉकडाउन का समय था, मतलब लोगों को स्किल सिखाने के लिए। तो आप इस पर भी लॉग इन कर सकते हैं, आपको बस ई स्किल इंडिया सर्च करना होगा। वहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा, वहाँ पर आप अपना साइन अप कर सकते हैं। मैं सीधा लॉग इन करूँगा क्योंकि मैंने इस पर अपना अकाउंट बनाया है, तो आप भी यहाँ पर लॉग इन करके आ सकते हैं। तो ई स्किल इंडिया के अंतर्गत ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कि यहाँ पर भी आपको हिंदी में, मतलब हिंदी इंग्लिश में भी आपको सीखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से भी आप कई सारे कोर्सेज को सीख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको, जो चीज़ भी आपको सीखना है बस वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको जो भी करना है वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों अलावा दोस्तों यदि आपको कोई कोर्स इन सही वेबसाइट पर नहीं सीखना है तो आप YouTube पर सीधा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। YouTube को आप बस ओपन कीजिए और यहाँ पर जो भी आपको कोर्स करना है तो वहाँ से, जैसे मान लीजिए मुझे फोटोग्राफी के ऊपर कोर्स करना है, ठीक है, फोटोग्राफी नहीं जो फोटोशॉप देखते हैं, ठीक है, फोटोशॉप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, ठीक, बिगनर्स हिंदी, ठीक है, मैं सर्च करता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो कोर्सेज आपको प्लेलिस्ट में मिलते हैं उन्हीं कोर्सेज को देखिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो कोर्सेज दिए रहते हैं, जैसे ये प्लेलिस्ट में इनका बना हुआ है, तो इसमें आपको डिटेल वाइज क्लास वाइज 1, 2, 3, 4 करके मिल जाता है। तो यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसी तरह आपको जो भी कोर्स करना है आप सीधा सर्च कीजिए ट्यूटोरियल फॉर बिगनर और जो उसकी प्लेलिस्ट दी गई है उसके हिसाब से करें। दोस्तों यूट्यूब पर जो कोर्सेज सीखने का तरीका है इसमें दो चीज़ें हैं, एक इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। तो दोस्तों फ़ायदे में कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करना और वीडियो प्ले करके देखते रहना, ये तो इसका फ़ायदा हो गया, आसानी से आपको कोर्सेज मिल भी जाते हैं। लेकिन इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों आपको नुकसान में ये होता है कि आपको जो भी कोर्सेज मिलते हैं आपको पता नहीं रहता है कि उसमें क्या चीज़ पढ़ाए हैं, क्या चीज़ छोड़ दिए हैं या फिर क्या चीज़ें इसमें बची रह गई हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है कि समझ नहीं आता है कि कितना बताएं कितना नहीं बताएं, और ये जो कोर्स बताया गया है कितने साल पुराना है, आउटडेटेड कोर्स तो नहीं है, तो ये भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए दोस्तों आप YouTube से ज़्यादा, मैं तो YouTube पर इतना नहीं सर्च करता हूँ कोई भी कोर्स, तो मैं इन्हीं सब वेबसाइट से कोर्स कर लेता हूँ। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं सभी वेबसाइट पर जाकर तो आप सीधा YouTube से भी कोर्सेज को सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा एक ही मुद्दा है कि स्किल को सीखते रहना है और अपने रिज्यूम को अच्छा बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो आप YouTube से भी कर सकते हैं कोर्सेज को। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि आप भी कोई और वेबसाइट का नाम जानते हैं जहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें और पता चल सके कि कौन कौन सी और वेबसाइट है जहाँ पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उनकी भी आप थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।